A6 Fuser 2। सीधा देख लेते हैं इसके बॉक्स को, तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का बॉक्स मिल जाएगा। इस तरफ टैग में सारी डिटेल्स दे रखी, जैसे कि मॉडल नेम हो गया, साइज हो गया, प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है, पर उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो भाई शू को निकालते यार ये बहुत ही लाइट वेट लग रहे हैं। सबसे पहले इसका वेट ही चेक करते हैं, ये क्या बना दिया। आई कांट बिलीव इस शू का वेट है मात्र 180 ग्राम। इतना लाइट वेट इशू बना रखा है, तो सोचो इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो में आगे बात करते हैं। इनिशियली बात करते हैं इसके डिजाइन और लुक्स के बारे में। तो देखा जाए तो इस शू को पूरा सटल बना रखा है, जो डार्क ब्लू कलर होता है ना वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। पीछे वाले पोर्शन आप लोगों को पूरा व्हाइट मिल जाएगा, तो ये एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रखा है। अब वहीं अगर मैं इसके डिजाइन वगैरह की बात करूँ, तो सेम A6 का लोगो आप लोगों को फ्रंट में मिल जाएगा, इस तरफ भी आप लोगों को सेम लोगो मिल जाएगा, यानी कि दोनों तरफ कर रखी है। एक लोगो टंग पे भी दे रखा है, यानी कि फुल टू ब्रांडिंग कर रखी है। अगर आप लोग इस शू को क्लोजली देखेंगे ना, तो आप लोगों को कुछ डायमंड पैटर्न्स मिल जाएंगे, जो कि पूरे शू में दे रखे हैं। जितना भी आउटर पोर्शन है उसमें आप लोगों को डायमंड पैटर्न मिल जाएगा। और तो यहाँ पर जो लोगो दे रखा था A6 का, वो प्रिंटेड फॉर्म में, यानी कि उसके ऊपर दे रखा है, और बाकी सारी चीजें यहाँ पे सटल छोड़ी गई है। वही अगर मैं इसके लेसेस की बात करूँ, तो ये भी आप लोगों को सिंपल और प्लेन मिल जाएंगे, राउंड वाले। इसकी क्वालिटी भी मुझे काफी ठीक ठाक लगी है, स्पेशली जो इसका मटेरियल है वो आप लोगों को पूरा मैश मिल जाएगा। क्वालिटी काफी ठीक ठाक दे रखी है, और मैश दे रखा है, तो आप लोगों कोई भी स्वेटिंग को लेकर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब वही आ जाते हैं इसके बैक सोल के ऊपर, तो बैक सोल में आप लोगों को पूरा रबर मिल जाएगा। और एक और चीज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी डायमंड पैटर्न्स दे रखे हैं, अप टू डाउन वेरिएशन में मिल जाएंगे आगे की, और एक छोटा सा A6 का लोगो दे रखा है। अब ये जो डायमंड पैटर्न है, ये आप लोगों की ग्रिपिंग को टारगेट करते हैं। इसके अलावा जो इसका मटेरियल है, वो आप लोगों को पूरा रबर का मिल जाएगा। एक बार मैं आप लोगों को प्रेस करके बताता हूं, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि सोल यहाँ पे कितना सॉफ्ट दे रखा है। इसके अलावा जो इसका आउटर है, वो यहाँ पे साइड सोल से स्टिच कर रखा है, ग्लूट कर रखा है, यानी कि ये इजिली नहीं निकलने वाला है। और यही चीज आप लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो इससे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और तो यहाँ पर जो सोल हाइट है, वो आप लोगों को 1 इंच की पड़ेगी, यानी कि थोड़ा बहुत आप लोगों की हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। स्पेशली जो इसका इनसोल है, वो भी मुझे काफी शॉकिंग मिला था, यानी कि इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप लोगों को पूरा फॉर्म मटेरियल वाला इनसोल मिलता है, ये वाला, प्रेस करने पर ये मुझे काफी सॉफ्ट लगा, बहुत ही अमेजिंग है, काफी वर्थ बना देती है मेरे लिए, तो ये चीज भी काफी शॉकिंग थी। हाइट साइड भी आप लोगों को फॉर्म की पैडिंग मिल जाएगी, जो कि एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरफ आप लोगों को सारे साइजेस डिटेल मिल जाएगी, एक बारकोड दे रखा है, जिससे आप लोग इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। वेट तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था, कुछ 180 ग्राम के अराउंड था। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, तो ये शूज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थे। फ्रंट से अगर मैं फ्लेक्स कर रहा हूं, या फिर पीछे से फ्लेक्स कर रहा हूं, तो काफी इजीली फ्लेक्स हो रहे हैं। एंड यही चीज अगर आप लोगों को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करना हो, जिम में यूज करना हो, तो बहुत यूजफुल रहते हैं। थोड़े बहुत आप लोगों को स्ट्रेच मार्क्स, यानी कि जो क्रीजेस है, वो आप लोगों को साइड सोल में बढ़ते मिलेंगे विद टाइम ऑफ यूसेज। और जो इसका आउटर है, वहां पर मैच दे रखा है, तो यहां पर एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम वही अगर मैं इसके वॉकिंग और मेन रनिंग टेस्ट की बात करूं, तो वॉकिंग में तो ये शूज काफी कंफर्टेबल थे, दिन भर यूज करना है तो उसके लिए भी बहुत सही है, एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिटिंग में भी ये शू एक्जैक्टली फिट था मेरे साइज से। रनिंग टेस्ट की बात करूं, तो हाँ, रनिंग में तो आप लोगों को पता ही है, मैं इसे सभी सरफेस पर टेस्ट करा है, ग्राउंड पे कर रखा है, मैंने इसे सॉलिड सर्फेस पे करा, सभी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, एकदम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस था। अब मैं यहाँ पे ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट में यहाँ पर जो पोर्शन दे रखा है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इससे आपका जो इनिशियल पोर्शन है वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि ब्रॉड दे रखा है। अब अगर आप लोग इस शू को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में यूज कर रहे हो, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, या फिर मैराथन हो गया, सब में ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से इसका वेट भी बहुत कम है। और अगर आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कर रहे हो, तो शॉर्ट डिस्टेंस में भी वेट एक बड़ा फैक्टर हो जाता है जीतने के लिए। ये वाला शू मैं रनर्स को बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा। जंपिंग के दौरान भी शूज काफी स्टेबल थे, तो अगर आप लोग इस शू को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूज करना है, जिम में यूज करना है, तो वहां पर भी ये काफी यूजफुल रहने वाले हैं। और तो अगर आप लोग वेट लिफ्टिंग करते, तो वहां पर भी ये चल जाएगा। अब वही अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं, तो ये शू पड़ेगा आप लोग को एक्जैक्टली 1700 रुपए का। सेल वगैरह में आप लोगों को 1500 के अंदर भी पड़ सकता है, लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वीडियो के साथ टैग भी कर रखिए, हम वहां से परचेस कर सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, अगर मैं शू के वर्डिक्ट की बात करूं, तो ये वाला शू मुझे काफी ही पसंद आया, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, इंडियन कंपनीज कोई भी सोल वगैरह अटैच कर देती है, शूज का वेट बढ़ा देती है, और कोई भी रनिंग वगैरह नहीं हो पाता है, पर फिर भी वहां पर रनिंग शू लिखा होता है। पर ये वाला शू ना बहुत सही रहेगा अगर आप लोग रनिंग वगैरह कर रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत अच्छी दे रखी है, 1700 वाली दे रखी है। उस प्राइस पॉइंट पर जो आप लोगों को क्वालिटी मिलनी चाहिए, वो ही दे रखी है। ऑल्सो ड्यूरेबल भी काफी रहेंगे, तो वो कहते हैं ना यार, सस्ते और टिकाऊ शू, उनमें से ये वाला एक है। ये वाला शू मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप लोग इसे कैजुअली यूज कर सकते हैं, रनिंग में यूज कर सकते हैं, पार्टी वगैरह में यूज कर सकते हैं, बहुत ही मल्टीपल यूजेस है इस शू के। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारे शूज और स्नीकर लेके आने वाला हूँ। जुड़े रहना मेरे चैनल से, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इस वीडियो को लेकर। मिलते हैं आप सभी अगली वीडियो में।